सुशांत सिंह राजपूत केस में संजय झा जो कि बिहार के मंत्री हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कूपर हॉस्पिटल में हमारी बिहार पुलिस गई थी, वहां पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई और जब हमने कहा कि हमें इसका फोटो लेना है, वो देने के लिए मना कर दिया और कहा कि नहीं, मुंबई पुलिस की इजाजत के बिना हम कुछ नहीं दे सकते। तो जाहिर सी बात है कि मुंबई पुलिस ने कूपर हॉस्पिटल में इस बात की इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि बिना इजाजत के कोई भी इंफॉर्मेशन जो है बिहार पुलिस को ना दी जाए। तो एक बहुत बड़ी बात जो है सामने आ रही है, हालांकि कूपर ने नहीं दिया पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मैंने आपको सबसे पहले बताया, लेकिन उसके बावजूद जो है अब ये खबर आ रही है, संजय झा ने अभी बयान दिया है और कहा है कि उन्हें पता चला कि कैसे जो है कूपर हॉस्पिटल ने रिपोर्ट देने से मना कर दिया और कहा कि हमें जो है मना किया गया है, मुंबई पुलिस का प्रोटोकॉल है, हम उनकी इजाजत के बिना जो है नहीं दे सकते। तो जाहिर सी बात है कि मुंबई पुलिस ने जो है जो वो कॉपरेट नहीं कर रही है, वही बात जो है यहाँ पर सामने आई है। यहाँ तक कि अब मांग उठ रही है बिहार की तरफ से कि मुंबई पुलिस को जो है माफी मांगनी चाहिए। शाहनवाज हुसैन ने इस तरह का बयान दिया कि मुंबई पुलिस जो है महाराष्ट्र सरकार मुंबई पुलिस से माफी मांगे, जिस तरह का जो है व्यवहार बिहार पुलिस के साथ किया जा रहा है वो वाकई में निंदनीय है। और अब ये बात सामने आ रही है कि क्या कूपर ने सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कोई भी एविडेंस या इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि मुंबई पुलिस ने उनको इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि कोई डिटेल शेयर ना की जाए, तो एक बहुत बड़ा सवाल जो है खड़ा हुआ है।